नमस्कार दोस्तों, अनपुन नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अलग तरीके से कटहल की सब्जी। हाँ फ्रेंड, ये कटहल की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप पूरी, चपाती, राइस जैसे चाहे खा सकते हैं। मैंने एक आसान विधि बताई है और बहुत ही अलग तरीके से ये कटहल की सब्जी मैंने बनाई है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो कटहल लिया है और जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अभी मैं छोटे टुकड़े करूंगी। चार प्याज लिए जिसे लंबा काट लेंगे, दो हरी मिर्च है जिसे बारीक काट लेंगे, तीन टमाटर हैं इसको बारीक काट लेंगे, लहसुन का हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कटहल काटने से पहले हाथों में अच्छे से तेल लगा लें, अगर आपकी खुजली होती है। कईयों को कटहल जो है वो सूट नहीं करता है, खाज होने लग जाती है हाथों पे, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, रिफाइंड ऑयल लगा लें, कुछ भी लगा लें, और कटहल के ये जो बीज है इसे हम निकाल देंगे। तो सारे बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत जो दिख रहे हैं उसे आप निकाल सकते हैं, और कटहल के पीसेस आप अपनी मनपसंद से कर सकते हैं, चाहे दो करें चाहे चार करें। बड़े टुकड़ों में भी आजकल कटहल जो है कटा कटाया मिलता है। मैं भी कटा कटाया कटहल लेके आई थी फ्रेंड, पर मुझे इतने बड़े पीसेस अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं इसके थोड़े पीसेस जो हैं वो छोटे कर रही हूँ। तो आप भी अपने मनपसंद से पीसेस छोटे बड़े कर सकते हैं। तो बीज हम निकालते जाएंगे और इनके पीसेस जो है हम करते जाएंगे। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो पीसेस हम काट लेंगे और पूरा कटर हम इसी तरह काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा कटर जो है वो काट लिया है और चलते हैं अब गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसके अंदर मैंने चार चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल में कटर बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप अपने मनपसंद के तेल में ये सब्जी बना सकते हैं। प्याज को मैंने लंबा काट लिया है, प्याज डाल देंगे और इसे हम हल्का सा भूनेंगे। पूरी तरह हमें प्याज को नहीं भूनना है, बस हल्का सा भून लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही हम प्याज को भूनेंगे। जब प्याज हल्का सा भुनेगा तब हम इसके अंदर हमारा कटहल भी डाल देंगे और प्याज और कटहल को हम एक साथ भूनेंगे। प्याज और कटहल को हमें फ्रेंड तब तक चलाते हुए भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। हमें इसे इसी तरह चलाते हुए भूनना है। आप कटहल को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इसी तरह हमेशा सब्जी बनाती हूँ तो मुझे इसी तरह पसंद है। ज़्यादा तेल मैं इसके अंदर यूज़ नहीं कर रही हूँ फ्राई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कटहल जो है हल्का सा ब्राउन हो गया है, प्याज भी हमारे ब्राउन हो गया। मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, तो ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये चिड़ा हो जाएगा। और बस अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। गैस का फ्लेम लो कर देंगे एकदम और इस कटहल को हम निकाल लेंगे। प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया है। देखिए फ्रेंड, मैंने सारा कटहल जो है वो निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना कम तेल रह गया है, कटहल बहुत ज़्यादा तेल पीता है। इसके अंदर हम एक बड़ा चम्मच तेल और डाल देंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच जीरा, तो मैंने साबुत जीरा लिया है वो डाल देंगे, और दो पिंच के करीब हम इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग और जीरे को हम अच्छे से भूनने देंगे। जब हींग और जीरा अच्छे से भून जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे एक तेज पत्ता, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और सूखी लाल मिर्च। और अब हम बारीक लंबा कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इन्हें हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। बस कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि प्याज जो है हमारी जले नहीं। देखिए प्याज हमारी भुन गई है और अब हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। लहसुन हमारा भुन गया, अब हम इसके अंदर आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे,
एक चम्मच ही हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो 1.5 से 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, आधी चम्मच हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे, आधी चम्मच ही हम इसके अंदर जीरा पाउडर डाल देंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। मसाले मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिए हैं। टमाटर डाल देंगे, टमाटर का आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, पर मैंने मसाले को पूरे को काट कर लिया है, तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले का पेस्ट भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी दही। तो दही मैंने हल्की खट्टी ली है, ज़्यादा खट्टी ना लें, नहीं तो सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। आप ताज़ा दही भी इसके अंदर डाल सकते हैं, बस मेरी जो दही है वो हल्की सी खट्टी है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा खट्टी दही हमें नहीं लेनी है, नहीं सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल ख़राब बनेगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो दही को मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। दही को डालते वक्त कंटिन्यू चलाना है आपको और रुकना नहीं है, नहीं तो दही फट जाएगी। मैंने आधी चम्मच किचन किंग मसाला डाला है, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना ना डालें। और 2 हरी मिर्च जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है इसे भी डाल देंगे, ये भी पूरी तरह ऑप्शनल है फ्रेंड, अगर आपको पसंद हो तो डालें वरना ना डालें। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ कटहल और प्याज, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड मैं थोड़ा कटहल जो है लिपटमा बना रही हूँ, अगर आप थोड़ा रसेदार कटहल खाते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ढककर हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पर, ताकि सभी मसालों का फ्लेवर जो है कटहल के अंदर आ जाए। 5-6 मिनट बाद हम सब्जी को वापस से चेक करेंगे। और इसे एक बार चला देंगे। मैंने लो फ्लेम पे सब्जी को पकाया है, आप देख सकते हैं कटहल पे बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये जितना दिखने में सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी बना है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है, और कटहल को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी। इससे कटहल का टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा, आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको टेस्टी कटहल खाना है तो कसूरी मेथी ज़रूर डालें, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है कसूरी मेथी से, और इसका कलर जो है थोड़ा सा और भी डार्क हो जाता है कसूरी मेथी डालने से। बहुत ही टेस्टी बना है हमारा कटहल, आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो मैं 1 मिनट और पका लूँगी इसे कसूरी मेथी डालने के बाद। तो देखिए फ्रेंड मैंने इसे 1 मिनट और पका लिया है, गैस को बंद कर देंगे, हमारा टेस्टी सा कटहल बनकर तैयार है खाने के। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने इसे सर्व कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बना है, पूड़ी चपाती राइस किसी के साथ आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। तो एक बार आप ये दही कटहल की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका यह टेस्टी कटहल कैसा बना। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।